बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि चन्नी के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतियों से भरा है। साथ ही कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बहुत मुद्दे हैं। वहीं उन्होंने अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। ते चरणजीत चन्नी को केड़े सोर्स है, केड़े सोर्सा नाल वो सारे किसानों का कर्जा माफ कर दोगे, केड़े सोर्सा नाल वो घर का नौकरी दे दोगे, केड़े सोर्सा नाल वो जेडे मुलाजमान ये जेडे उन्होंने बकाए आ वो दे देंगे, जरा पे कमीशन लागू कर देंगे, मुलाजमान पक्के करन की गल कर देंगे। इस करके हाले तो उन्हों का बड़े कंडिया वाली फेज वा, हाले DGP बदलने की, चीफ सैकटरी बदलने की, होर अफसरों बदलने की हाले प्रक्रिया आ। जोड़े मंत्री नवे बनने वो बन तो बाद जे लथने उन्होंने प्रति काम की होंगे कि कोई जाखड़ वागू कोई धमाका करने नहीं तैयार बैठा। और जिमें ब्रह्म महिंद्रा का ना अखील पता ने भी वापस ले लिया, मैं समझा भी ये पिछले कितने ना कि क्यों ब्रह्म महिंद्रा कैप्टन का बहुत नेड़े का खास बंदा आ, वह नाम बेडरा करा लेना यह भी कितने ना कि किंतु भी करता है कि उन्होंने मन के जी खिचड़ी पकती है वो कितना रुख लैनगे। सो ये बहुत सारिया मुश्किलों का सामना जोड़ा आ वो ये मुख्यमंत्री को करना पैना, क्योंकि सब तो माड़ी जी गल सोचने वाली यह है कि सिर्फ इस कुछ दिन का 3 महीने का मुख्यमंत्री जो बनेगा 3 महीने के किन्ने काम कर सकता, उस कोर्ट लग जाना। और जिस तरीके कल कांग्रेस के जोड़ा पंजाब के इंचार्ज आ उन्होंने ये ट्वीट कर दिता कि ये मुख्यमंत्री तो 22 के चेहरा नहीं होगा, तो एक उ जोड़ा सवालिया निशान हो गया कि ये मुख्यमंत्री सिर्फ से सिर्फ यदा दलित पत्ता खेड के जड़िया SC वोटा आ उन्होंने प्रभावित करने वास्ते गल करती 22 के चेहरा ही नहीं होना, सानू तो पहले ही पता था। और ये एक भी गल की जी मैं शंका आ कि कितना कितने ये जे सारे काम ना कर सकिया, कैप्टन तो बरी हो गया अस्तीफा दे के, कहेंगे देखो जी चन्नी मुख्यमंत्री बनाया था SC समझ के बनाया सी, ये फेल हो गया क्योंकि SC जिहड़े बंदे आ शायद ये काबल नहीं कि यह मुख्यमंत्री की सीट ना चला सकन, उहदे आले दुआले तत्तां खिच्चण वाले किन्ने क लोक होणगे, ये सारियां गल्लां। फिर भी मैं आस करदा कि पढ़िया लिखिया बंदा है कुछ ना कुछ वो जरूर एक्शन लऊगा, जिहड़े रेत माफिया आ शराब माफिया आ जां जे लाड़ राड़ दी पिछन वा अज बहुत थले चले गई आ उत्ते कंट्रोल करनगे, और जिहड़ा बड़ा कंट्रोल करनगे, और जिहड़ा बड़ा जिहड़ा एक गल मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री अस्तीफा देने तो बाद जी उन्होंने की है जहाँ बधाई देने वेले जी गल की गलों की बड़ी मीनिंग आ। उन्होंने कहा कि जिहड़ा सिद्धू आ ये देश के लिए बड़ा खतरा आ क्योंकि यदि जो तारा आ पाकिस्तान जुड़िया आ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुड़िया आ, उनके डिफेंस मिनिस्टर जुड़िया आ, एक बड़ा एलीगेशन आ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान के उपर वो बारे की किया जाऊगा। और दूजा जिहड़ा आ उन्होंने बधाई देने भी गल कहती कि चरणजीत चन्नी जिहड़ी आ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਧੋਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ,
समान कंबल भेजे दवाइया भेजिया इतों पिनिया बना बना भेजिया उन्होंने लोगों को भी नहीं बख्शा गया। सो मैं समझा कि इस गल की सानू कड़े शब्दों में निंदा भी करनी चाहिए है और ये सब तो बड़ी गल सोचन की लोड़ आ कि जेडे उत्थे लोग बैठे आ कि वह किसान हतैशी आ जे वह किसानों के हमदर्द आ तो ये लोग जा रहे थे भी किसानों के लिए मार्च कर जा रहे थे धरना देन जा रहे थे पार्लीमेंट के मोहरे ये पहली पार्टी है श्रोमणी अकाली दल जिन्हें जरूरत की आ कि वो उस तरीक के उपर पार्लीमेंट धरना देन जाए उन्होंने शाबाश देनी चाहिए थी नाल तोड़ना चाहिए थी भी तुम जी असी रास्ते लोगों लिए बंद भी किए वा तुम साढ़े काम ले चले हैं आओ लंघो थोड़ा असं निभाने उल्टा उत्थे बंदों के खिलाफ बोलिया चलिया और मैंने जो रिपोर्ट मिली आ कि सारे बंदे नशे के दूजे दे विच सीगे ये तमीज के उत्थे जो कुछ हो रहा उत्ते अज जिहड़े आ उह शक जाहिर हो रही आ कि वह जथेबंदियों के पिछे किहड़ी ताकत वा जां उह किहड़े बंदे आ जिन्हां बंदां ने इहो जिहा काम कीता। ये जथेबंदियों नूं मेरी बेनती आ कि तुसीं इन्हां गल्लां दी पड़ताल करो कि तुहाडे विच कितें उह बंदे ते नहीं बढ़ गए जिहड़े तुहाडे संघर्ष नूं तारक पिंडो करना चाहुंदे आ जां जिहड़े तुहानूं बदनाम करना चाहुंदे आ। अज पैसे ने गल्लां निकलण लग पईआं कि फलाना बंदा इन्ने पैसे लै गया इन्ने लख लै गया कोई बंदे ने करोड़ लै गया ये एक बड़ी जिहड़ी आ किसान संघर्ष नूं